यूपी टीवी न्यूज पर फरुखाबाद जिले से दिन भर की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो यूपी टीवी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको खबरों के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। पहली खबर की तरफ रुख करते हैं, खबर फरुखाबाद से है। फरुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह फरुखाबाद पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। भारतीय किसान यूनियन अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लोकसभा चुनाव का ये भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा है और उन्होंने कहा है कि हिस्सेदारी के हिसाब से लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान भारत मोदी जी ने बना दिया और कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान वो कतई भी नहीं बनने देंगे। जातिवाद और धर्मवाद पर राजनीति करने वालों को राजनीति से आउट कर दूंगा और ये पूरा मामला और पूरा कार्यक्रम फरुखाबाद के सेनापति स्थित भानु गुट के प्रदेश सचिव के आवास का है, जहां पर एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं अब दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, खबर फरुखाबाद के यातायात से जुड़ा हुआ है, जहां यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सड़क पर दिन दहाड़े यमराज उतर आए। यमराज के भेष में बिना हेलमेट बाइक सवारों को यमराज ने जमकर नसीहत दी है। बिना हेलमेट बाइक सवार महिला व बच्चों को यमराज ने जमकर फटकारा। कई बाइक सवार यमराज की नसीहत से प्रभावित भी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आगे से हेलमेट अगर लगाकर आप लोग नहीं चले तो हम आपको साथ में ले जाएंगे। यातायात प्रभारी रजनीश कुमार ने यमराज के भेष में बाइक सवारों को जो लोग हेलमेट नहीं लगाए थे और कार के भीतर जो लोग बेल्ट का प्रयोग नहीं कर रहे थे उनको यमराज के द्वारा नसीहत दिलवाई है। फरुखाबाद जिले के लालगेट फतेहगढ़ चौराहे सेंट्रल जेल चौराहे पर यातायात नियम तोड़ने वालों को यमराज ने नसीहत दी है। आपको एक बार फिर बता दें, सड़क पर जो लोग मोटरसाइकिल और कार से चल रहे हैं और जो लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनको यमराज ने सख्त चेतावनी दी है और यमराज का भेष बनाकर लोगों को यातायात प्रभारी के द्वारा नसीहत भी दिलवाई गई है। वहीं अब तीसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, फरुखाबाद जिला अधिकारी के निर्देशन पर बाल श्रम पर चलाया जा रहा है लगातार फरुखाबाद जिले में चेकिंग अभियान। जिले में जगह जगह चेकिंग अभियान चलने से हड़कंप मचा हुआ है। बाल श्रम अधिकारियों ने दुकानों व गोदामों पर छापेमारी की है। छापेमारी कर 7 लोगों को और साथ ही दुकानदारों को नोटिस देकर और कुछ लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। ये अभियान आपको बता दें 10 दिसंबर तक फरुखाबाद जिले में चलेगा। चेकिंग अभियान में नायब तहसीलदार बाल श्रम अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी प्रभारी निरीक्षक कायमगंज की टीम की छापेमारी से कायमगंज क्षेत्र में इन दिनों दहशत मची हुई है। फरुखाबाद जिलाधिकारी के निर्देशन में जो दुकानदार बाल श्रम में छोटे बच्चों से काम ले रहे हैं उनके ऊपर जिला प्रशासन इन दिनों लगातार सख्ती दिखा रहा है, जिसके बाद कायमगंज चेकिंग अभियान में नायब तहसीलदार और बाल श्रम अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने बाल श्रम कराने वाली दुकानों पर जमकर छापेमारी की है और कई लोगों को नोटिस जारी कर या कई लोगों को हिदायत देकर कई लोगों को छोड़ भी दिया गया है। वहीं अब चौथी खबर की तरफ रुख करते हैं, भारतीय कृषक एसोसिएशन ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। नारेबाजी कर रहे किसान नेताओं को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने रोका, जिसके बाद नारेबाजी कर रहे किसान नेता एसडीएम से भिड़ गए। पेट्रोल डीजल की दुकान में 22 नवंबर को आग लगी थी, जिसके बाद कई बच्चों सहित कई लोग इस आग की चपेट में आए थे और सीओ कायमगंज की संरक्षण में ये पूरा अवैध कारोबार चल रहा था। ये भारतीय कृषक एसोसिएशन ने जिला अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन कर ये बड़ा आरोप लगाया था। खाद्य विभाग के अधिकारियों पर छापेमारी के नाम पर 50,000 की वसूली करने का भी भारतीय कृषक एसोसिएशन ने आरोप लगाया है, जिसके बाद किसान नेताओं ने एसडीएम को जमकर खरी खोटी भी सुना दी। प्रदर्शन के बाद पूरे किसान नेता एसडीएम से भिड़ने से मूड से आए हुए थे, जिसके बाद वहां पर उनके बीच जमकर हाटटाक भी हो गई। पूरा मामला फतेहगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां भारतीय कृषक एसोसिएशन ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। भैया पांचवी खबर की तरफ रुख करते हैं, खबर फरुखाबाद के कायमगंज से है। दिस किसान सहकारी चीनी मिल न चलने से लगातार किसान परेशान है। अभी आपको बताया था कि बीते दिनों ही फरुखाबाद डीएम ने उद्घाटन किया था और जिसके बाद से चीनी मिल इन दिनों नहीं चल रही है। 4 दिन से किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर चीनी मिल में
खुले आसमान के नीचे खड़े हुए हैं और चीनी मिल के एमडी मिल चलने ना किसानों से कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चीनी मिल के अंदर किसानों के लिए शौचालय, पीने के पानी आदि की कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं है और किसान ठंडी के मौसम में गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली को लेकर खुले आसमान में रखने को मजबूर हैं। पुरानी जर्जर मशीनों के सहारे लगातार चीनी मिल चल रही थी, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ खराबी आने से चीनी मिल इन दिनों बंद चल रही है, जिसके बाद किसानों ने बड़ा आरोप चीनी मिल के एमडी के ऊपर लगाया है और कहा है कि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, फरुखाबाद।